हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे, जान सकेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, सभी एज ग्रुप के लिए हैं, सभी जेंडर के लिए हैं। ओके, और आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ऊपर वाला करें आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपके पास आ जाए। जो भी दूरियां हैं, थर्ड पार्टी है, जो भी नेगेटिविटी है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ठीक है। कार्ड शफलिंग का टाइम आपको नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप उस टाइम को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या है ओ करंट फीलिंग्स, ठीक है। ओ ठीक है, आप में से अगर कोई हीलर है ना, अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश मत करना, अभी रुक जाना थोड़ा। मैं हमेशा कहती हूँ रिलेशनशिप को हील करो, पॉजिटिव रहो, लेकिन आज मैं कह रही हूँ अगर आप में से कोई हीलर है ना, आप रिलेशनशिप को हील करना सॉरी, लेकिन अपने पार्टनर को अगर फील हो रहा है कि वो कुछ हर्ट है तो अभी उसे हील मत करना, ठीक है। ओके, एनर्जीज तो आपके पार्टनर की, देखो पूरे कार्ड्स लेते हैं फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं, देखिए इसमें यहाँ पर यह है कि रीडिंग की जा रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का और जो उनके लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी आया है ना, तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है वो भी आया है और उनके लाइफ में क्या चीज़ें अभी चल रही हैं ये भी आया है, ठीक है। ओके, एक कार्ड और हम लेंगे, द हर्मिट। ओके, बॉटम में है सन की एनर्जी, जिससे हमें लग रहा है साफ कि अब आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते ही हैं, साथ में नई शुरुआत भी करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ऊपर वाला करें जल्दी आपके पार्टनर इस एनर्जी में आए और आपके साथ यहाँ पर नई शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है आपके लिए, आपके इस रिलेशनशिप के लिए, उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो सब हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, किसी किसी के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने के बाद में छोड़ा, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। चलो अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उस पर्सन को किसी थर्ड पर्सन ने, जो थर्ड पार्टी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, उसने धोखा दिया है आपको, आपके पार्टनर को, जिस थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था ना, उस पर्सन की, उस पर्सन ने आपके पार्टनर को अब धोखा दिया है, और उस पर्सन को आपके पार्टनर ने शादी का कमिटमेंट दे दिया था, ठीक है। मतलब आपको थर्ड सेपरेशन में डाल दिया, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, लेकिन वहाँ पर अब थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है। देखो यहाँ पर ये है, अगर ऐसा अभी सिचुएशन आपको सुनने में नहीं आई है तो आप आने वाले समय में ऐसा आ सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धोखा दे रही है पूरे तरीके से, आपके पार्टनर इमोशनली डैमेज, ठीक है। ओके, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर के सामने आएंगी जो कि कहते हैं ना बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और ये सच है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया हुआ है। ओके, और सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा देने के बाद में थर्ड पार्टी दूर तो चली गई है, अब आपके पार्टनर को जबकि सबक मिल चुका है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया, उनको डिच किया, उनको उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, तो अब आपके पार्टनर आपकी तरफ भाग कर आ रहे हैं, ठीक है।
कुछ इमोशनली डैमेज होकर आएंगे, कुछ नेगेटिविटी लेकर आएंगे, कुछ बर्डन लेकर आएंगे, लेकिन आपके पास आ रहे हैं किस कमिटमेंट की तरफ, जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया था। अब अगर आप इस कमिटमेंट के लिए ना भी कहोगे या थोड़ा सा भाव खा लोगे तो भी आपके पार्टनर पे प्रेशर डालेंगे कि भाई आओ इस रिलेशनशिप में जिसमें मैं तुम्हारे साथ था या थी, जहाँ मैं छोड़कर गया था उसी कमिटमेंट पे वो आकर आपसे बात करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ किया है उसका थोड़ा सा असर आपके पार्टनर के ऊपर रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया, उसके बाद में आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। आपके पार्टनर ने किसी और को दिया कमिटमेंट, उसने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया। तो इस वक्त आपके पार्टनर के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हिले हुए हैं, मेंटली या फिजिकली दोनों तरह से हर्ट हैं इस वक्त आपके पार्टनर। अब यहाँ पर यह है कि जब आपको ऑफर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई तो हैं जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ कर देंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को थोड़ा वेट करवा सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने जो बिहेव आपके साथ किया, मान लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो गया। अब आप दूर से भी देख रहे हैं तो भी नज़दीक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यही एनर्जी रखना। मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो लोग हीलर्स हैं या अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को हील करो, उस पर्सन को हील मत करना। क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पास आना चाह रहे हैं, बहुत डिस्परेट हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। अब धोखा देने वाली एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं है, ख़ासतौर पर अब आपको धोखा नहीं देंगे। यहाँ पर अब आपके पास वापस आएंगे, ऑफ़र करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है यही रिलेशनशिप है जिसके साथ वो रह सकते हैं, यही पार्टनर है जिसके साथ मैं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। आगे होकर आपको ऑफर मिलेगा, क्योंकि हर थर्ड पार्टी, हर नेगेटिव पर्सन ने आपके पार्टनर को धोखा दे दिया। सेवन ऑफ सोर्स के साथ किंग ऑफ पेंटिकल था, जो साफ हमें पता है कि जिस भी पर्सन को उन्होंने कमिटमेंट दिया था उस पर्सन ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है बहुत बुरी तरह से। शादी आपके साथ करेंगे, आपके ऊपर पूरा ध्यान है, फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको है ना मनाने के लिए कुछ चीज़ें की जाएं, आपको गिफ्ट दिया जाए, अपने करियर को सक्सेसफुल किया जाए। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि दिखाता है आपके पार्टनर अब आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस एनर्जी से सिर्फ आप ही उन्हें निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है आपके बिना, और वो ये जानते हैं कि पास्ट लाइफ के जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके साथ ही ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे तो बढ़ेंगे ही, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं कि हाँ रीयूनियन हो गया है, लेकिन ये जो अभी न्यू मून गया, फुल मून गया था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज हैवी थी। हो सकता है आप लोग की भी एनर्जीज इधर उधर हुई हो, ठीक है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, वापस एक शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। जो कमिटमेंट आपके साथ दे चुके थे उसी में वापस आएंगे, और अगर नहीं दिया था कमिटमेंट तो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, ओके। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो देखिए नई शुरुआत तो आपके पार्टनर करना ही चाहते हैं आपके साथ, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो, खुश रहो, थोड़ा अपने आप को, इस रिलेशनशिप को हील करो। इस वक्त आपके पार्टनर इमोशनली डैमेज है, ज़रा उनको ठहराव दो, उनको ना हील करना अभी, वो खुद आपके पास आएंगे, फिर उनको हील करना आप, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अपना खूब सारा ख्याल रखो, बहुत अच्छे से खुश रहो, स्माइल करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय।